अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम? कोई भी परेशानी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली रहता है, वहाँ पर लिख डालो। चैप्टर चल रहा है हम लोगों का हेलो एल्केन्स, या एल्किल हैलाइड्स। पिछले क्लास से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड्स के रिएक्शंस के ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले क्लास में हमने तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के ऊपर काफ़ी सारी बातें समझाई थी, और बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन पर ही हम लोगों को अभी और भी बातें करनी है। सो आज का क्लास होगा, एक छोटे से रिएक्शन को हम लिखेंगे, और मतलब आज का क्लास शुरू कहाँ से होगा वो हम बता रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन लिखा हमने और तुमसे कह दिया कि इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म ट्राई करना है। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कार्बन टर्शियरी है, एक दो तीन, तीन कार्बन के सेंटर पर अगर कार्बन है तो उसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं, इसी के साथ क्लोरीन लगा है। सो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको जब पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखोगे कि क्लोरीन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हो जाएगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है हम लोगों को। तो पिछले क्लास में जितनी बातें हम लोगों ने करी थी, अगर उसको तुम ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग सोचो, तो सबसे पहले तो तुम्हें थोड़ा सरप्राइज होगा कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। इस कार्बन के चारों तरफ इतनी भीड़ है, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन के आसपास अगर छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हों, जैसे ये मिथाइल क्लोराइड, तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन्स लगे हैं, हाइड्रोजन्स की साइज बड़ी छोटी होती है, तो कार्बन के आसपास कोई भीड़ नहीं है। अगर इसका रिएक्शन हम NaOH से करा दें तो हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हो जाता है। क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन के बदले हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। ये सब हुआ कैसे? तो Na पर प्लस, OH पर माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, आएगा आकर के इस कार्बन पर, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस है, कार्बन पर डेल्टा प्लस है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर थोड़ा थोड़ा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, और इसी डेल्टा प्लस को देख करके सारा रिएक्शन शुरू होता है। इस पर डेल्टा प्लस है, इसको थोड़ा थोड़ा भूख लगा है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लिया कि 20% पॉजिटिव चार्ज है, 10% पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो भी है कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसको थोड़ा सा भूख लगा है, इसको थोड़ा कुछ खाने को चाहिए। और इधर हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, इसके पास लोन पेयर पड़े होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और जब कार्बन एक नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड क्लोरीन वाला जो है टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, और तुम देखोगे कि क्लोरीन गया और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया। तो इस वे में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा, क्लोरीन गया बाहर। और फिर पिछले क्लास में हमने तुम्हें कहा था कि अगर इन हाइड्रोजन एटम्स को हम हटा दें, इनके बदले क्या करें, एल्किल ग्रुप्स लगा दें, तो एल्किल ग्रुप की साइज क्या होती है, जैसे अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो मिथाइल ग्रुप की साइज क्या होगी, थोड़ी बड़ी होती है। हाइड्रोजन छोटा सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस कार्बन के आसपास थोड़ी भीड़ हो गई। तो अब अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन के साथ रिएक्शन करना चाहता है, सपोज हाइड्रोक्साइड आयन ही है, वो कार्बन के साथ आकर के रिएक्शन करना चाहता है, ये रिएक्शन मुश्किल हो चुका है, इसकी तुलना में यहां पर रिएक्शन मुश्किल हो चुका है, हम यहां पर थोड़ी भीड़ और जमा कर दें, हम उसी में एक और मिथाइल लगा दें, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब क्या है, दो बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स हमने लगा दिए, हाइड्रोजन छोटा सा आइटम है, इसको हटाया, एक बड़ा सा एल्किल ग्रुप लगा दिया। अब कार्बन के आसपास भीड़ और ज्यादा हो चुकी है, न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन तक पहुंचना जहां पर कि रिएक्शन करना है और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और अगर एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिख दे, तीन बार एल्किल ग्रुप्स हम लगा दें,
ये तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन्स थे, तीनों हाइड्रोजन को हटा करके तीन बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स लगा दिए हमने। हाइड्रोजन की तुलना में एल्किल ग्रुप हमेशा काफी बड़ा होगा, तो अब इन बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स के चलते क्या है, यहां क्लोरीन लिखना है हमें। इस कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना बेहद मुश्किल हो चुका है, बेहद मुश्किल हो चुका है, राइट। तो यहां पर जैसे यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे यहां हो जा रहा है, चलो यहां भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन यहां पर नियरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस वे में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। इधर क्लोरीन जा रहा है, इधर हाइड्रोक्साइड आ रहा है, इस वे में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक। फिर ये रिएक्शन कैसे हुआ, राइट। ये रिएक्शन जैसे जैसे हाइड्रोजन को हटाओगे, एल्किल ग्रुप को लगाते चले जाओगे, रिएक्शन मुश्किल होता चला जाता है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन चाहे कि हम यहां पर आकर के रिएक्शन कर लें और यह क्लोरीन चला जाए, जिस वे में पिछले क्लास में हम लोग मैकेनिज्म लिखा करते थे, उस वे में लिखते चले जाए, तो यह रिएक्शन नियरली पॉसिबल नहीं है। तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहां पर इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे हुआ और इसका मैकेनिज्म हम कैसे लिखेंगे, ये चीज हम लोगों को माइंड में रखना है, ठीक। इतनी चीजों को माइंड में रखते हुए इसके बारे में सोचना है कि जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हुआ कैसे। तो हो क्या रहा है, यहां पर मैकेनिज्म दूसरा हो गया है, मैकेनिज्म बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया, रिएक्शन बिल्कुल अलग तरीके से होगा। कैसे कैसे होगा देखते हैं। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले यहां पर इतनी भीड़ है कि इस पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं सकता, तो इस सीधे सीधे रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन यहां से निकल करके चला जाएगा, क्लोरीन निकल करके चला जाएगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनों को लेकर चला गया, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाएगा तो हम जानते हैं क्लोरीन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस। पिछले क्लास में जब हम रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखते थे तब क्या करते थे, ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, और कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस डेल्टा प्लस को देख करके यहां पर रिएक्शन करने को आ रहा है, इसे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, चलो इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, यहां थोड़ा डेल्टा प्लस का चार्ज है, चलो इसे थोड़ा इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस डेल्टा प्लस को देख करके न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने को आता था, और जैसे जैसे यहां पर भीड़ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का यहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां भीड़ इतनी है कि इस डेल्टा प्लस को देख करके न्यूक्लियोफाइल अगर आना भी चाहे, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, इस डेल्टा प्लस को देख करके न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक आना भी चाहे, तो यहां इतनी भीड़ है कि न्यूक्लियोफाइल सीधा सीधा कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। हो क्या रहा है, पहले क्लोरीन बाहर निकला, राइट। पहले जो है क्लोरीन बाहर निकल गया, क्लोरीन बाहर निकला तो क्लोरीन पर कंप्लीट माइनस, कार्बन पर कंप्लीट प्लस, ठीक, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना। साथ ही साथ एक ग्रुप निकल करके जब बाहर चला गया तो थोड़ी तो जगह खाली हो गई ना, कहां चार कार्बन के चारों तरफ चार ग्रुप्स लगे हुए थे, चार में से एक सीट खाली हो गई, अब तीन ही बचे हैं, तो चार के बदले तीन हो गए तो जगह क्या हो गई, खाली हो गई, और जगह खाली हो गई तो न्यूक्लियोफाइल जो है अब आकर के रिएक्शन कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्शन करेगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्शन करेगा, और ध्यान देना यहां डेल्टा प्लस है, मतलब इसे रिएक्शन की उतनी जल्दी नहीं है, यहां कंप्लीट प्लस है, इसे रिएक्शन की बड़ी जल्दी होगी। जब कंप्लीट प्लस या कंप्लीट माइनस होता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से कोई भी स्पीसीज, कोई भी आयन जो है हमेशा परेशान रहता है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तब भी परेशान रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तब भी परेशान रहेगा, दोनों ही सिचुएशंस में उसको परेशानी होती है। तो यहां पर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से जरूर इसको परेशानी हो रही होगी, और इस परेशानी को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो यहां डेल्टा प्लस है, इसे रिएक्शन करने की उतनी जल्दी नहीं है, यहां कंप्लीट प्लस है, इसको रिएक्शन करने की जल्दी है, इसे कार्बोकैटायन कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना, सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन के साथ अगले स्टेप में पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, एच ओ एच,
ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? तो आंसर है कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे NaOH होता है, NaOH में क्या होता है, Na पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, बस ऐसे ही पास में चिपके हुए हैं प्लस माइनस की वजह से, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोडियम आयन अलग है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग है। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या था, न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। क्यों न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया था, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास तीन तीन लोन पेयर है, ठीक, एक ही लोन पेयर की जरूरत होती है, कोई तीन या चार लोन पेयर की जरूरत नहीं होती है। न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए एक ही लोन पेयर चाहिए, तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो वैसे ही पानी के मॉलिक्यूल में भी तो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के अंतिम में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह इलेक्ट्रॉनों में से एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, तो चार इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे ना, दो दो करके दो बार बना दो, तो दो लोन पेयर्स हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पानी का मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। हाइड्रोक्साइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल है, पानी का मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में थोड़ा अंतर भी है। ये कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, और पानी का मॉलिक्यूल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा क्यों भाई, इसके पास ऐसा क्या खास है कि ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, इसके पास ऐसा क्या कम है कि वो वीक न्यूक्लियोफाइल? तो आंसर इज वेरी सिंपल, वहां निगेटिव चार्ज देख रहे हो ना, निगेटिव चार्ज से वो परेशान है। जैसे हमारे पास कोई सामान हो, हम उससे परेशान है, तो हम क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी किसी और को दे दे, बेच दे उसको ले जा करके, जल्दी से जल्दी कम दाम में बिके तब भी बेच दो, मुझसे बहुत परेशान है, जल्दी उससे पीछा छूटे, कुछ ऐसा। तो निगेटिव चार्ज की वजह से ये परेशान है, जल्दी है इसे रिएक्शन करने की, इसीलिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। इसके पास कोई निगेटिव चार्ज वगैरह नहीं है, ये तो खूब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, खूब स्टेबल है, अपने आप में मस्त है, रिएक्शन हो तो, रिएक्शन न हो तो, रिएक्शन हो जाए तब भी ठीक है, न हो तो कोई बात नहीं, हम ठीक है अपनी जगह पर, रिएक्शन कोई नहीं करने आएगा तब भी हम खुश हैं। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल, इसे रिएक्शन की कोई जल्दी नहीं है, इसे रिएक्शन की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कार्बोकटायन को रिएक्शन की जल्दी है, तो कार्बोकटायन क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के पास आएगा, पानी के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख दे, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, दो लोन पेयर है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल के पास जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास जाएगा कि चलो दोनों मिलकर के रिएक्शन करते हैं, तो पानी का मॉलिक्यूल अब अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक, इसके पास पहुंचा और इसने अब अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर, इसको डोनेट किया, ठीक। कभी कभी तुम ये एरो गलत डायरेक्शन में लगा देते हो, जैसे हमने कहा ये इसके पास जाएगा, तो तुम एरो ऐसे लगा देते हो कि ये उसके पास जा रहा है, ध्यान देना, ये जो एरो मैकेनिज्म वाला जो एरो होता है, जो मुड़ा हुआ एरो लगाते हैं, कर्ली एरो बोलते हैं, कर्ली एरो या मुड़ा हुआ एरो लगाते हैं, ये आने जाने को नहीं दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ठीक। हमने कह दिया ये उसके पास जाएगा, तो तुम बहुत खुश होकर के एरो ऐसे लगा देते हो कि ये लो भाई ये उसके पास पहुंचा दिया, ये गलत एरो है ना, एरो ऐसे नहीं रहेगा, भले ही ये उसके पास जाए लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां की तरफ, इसीलिए एरो ऐसे आएगा ना, इसके पास से इसके पास आएगा, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एज अ रिजल्ट अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन के पीछे दो हाइड्रोजन है वो भी लगा दो, जैसे ही ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में अंतर देखना, ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनेट करता है, वैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे इसने लोन पेयर डोनेट किया प्लस का चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक, समझ में भी आता है, प्लस यहां से खत्म हुआ तो वहां तो आएगा ही आएगा ना, प्लस का चार्ज ऐसा थोड़े कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब एक जगह से गया तो दूसरी जगह पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो यहां से प्लस का चार्ज खत्म हुआ और अब प्लस का चार्ज ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक तीसरा बॉन्ड बनाया है, दो बॉन्ड तो पहले से बना करके रखा हुआ था, नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ था, जब वो तीसरा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे, तीनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दिया, और जब इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे दिया तो अब रिजल्ट क्या होगा हमारे हाथ में, OH बचेगा और ये H बाहर, तो CH3
कार्बन सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच, ठीक, वो के साथ एक एच बचा हुआ है और ये एच बाहर इस एच पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस का चार्ज इस एच पर आया और ये एच क्या है आउट बाहर, बात खत्म इससे। तो कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, पहले क्लोरीन हटा, कार्बन पर प्लस आया, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन बेहद रिएक्टिव होता है, ध्यान देना, डेल्टा प्लस है तब उतना रिएक्टिव नहीं है क्योंकि इसके चारों बॉन्ड्स सही सलामत है। अभी एक बॉन्ड टूट गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, अब इसे रिएक्शन की जल्दी हुई कि अब मेरे को रिएक्शन करना पड़ेगा। पहुंचा पानी के मॉलिक्यूल के पास, पानी का मॉलिक्यूल इसके पास नहीं आएगा, मतलब पानी के मॉलिक्यूल को कोई जल्दी नहीं है रिएक्शन करने की, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये आराम से इंतजार करेगा कि जब कार्बन आएगा तो ठीक है देखा जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बना और ये खुद पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने पहुंचेगा, तब पानी का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ओ एच हो गया। तो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक। तो पिछले क्लास में जो मैकेनिज्म हम लोग देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और इस क्लास में जो मैकेनिज्म हमने देखा अभी अभी, दोनों में बहुत अंतर हो गया। पिछले क्लास में क्या होता था एक बार फिर से हम लिखे कंपैरिजन के लिए, पिछले क्लास में क्या होता था कि हम कहते हैं ये है एल्किल हैलाइड, छोटे छोटे ग्रुप्स लगा रहे हैं ताकि कार्बन के पास में ज्यादा भीड़ न रहे, ये है हमारा एल्किल हैलाइड और कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिख देते हैं एन यू माइनस न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस और न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन करता है, या फिर चलो हम हाइड्रोक्साइड आयन ही लिख देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन यहां से बाहर, तो रिजल्ट क्या हुआ, प्लस सी एल माइनस। तो पिछले क्लास में जो मैकेनिज्म देख रहे थे वो इस टाइप का था, आज जो मैकेनिज्म हम लोगों ने आज के क्लास में ओपन किया वो इस टाइप का मैकेनिज्म है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, यहां सारी चीजें एक साथ एक स्टेप में होली, इधर क्लोरीन निकल रहा है, इधर इसके पास ये पहुंच गया, ठीक, क्लोरीन के निकलते निकलते न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आ गया, सब कुछ एक साथ, सारी चीजें एक साथ एक ही स्टेप में हो जा रही है, क्लोरीन गया न्यूक्लियोफाइल आया, और इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन पहले गया, कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके आगे जो भी प्रोडक्ट बनाना था वो बना डाला, राइट। तो इसमें कार्बोकेटायन नहीं बना, इसमें कार्बोकेटायन बना, इसमें सब कुछ एक स्टेप में हो गया, यहां पर चीजें दो स्टेप में हो गई। तो कब मैकेनिज्म ऐसा होता है, कब मैकेनिज्म ऐसा होता है, हम लोगों को समझना पड़ेगा ना कब मैकेनिज्म इस वे में आगे बढ़ेगा, कब मैकेनिज्म इस वे में आगे बढ़ेगा। तो पहली चीज, अगर मैकेनिज्म को इस वे में आगे बढ़ना है तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए, ठीक, और कार्बोकेटायन हमेशा नहीं बनता है, ठीक, कार्बोकेटायन बनने के लिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम लोग जानते हैं, अगर कार्बन पर प्लस का चार्ज है उसके साथ तीन एल्किल ग्रुप्स लगा दो, आर 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 आर, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एनीथिंग यू कैन राइट। कार्बन के साथ सिर्फ दो एल्किल ग्रुप लगाओ और कार्बन के साथ सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगाओ, तो इसको तुम कहते हो टर्शियरी कार्बोकेटायन, इसको कहते हो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसको कहते हो प्राइमरी कार्बोकेटायन। तीनों एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन की मदद करते हैं, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। सेकेंडरी में दो ही एल्किल ग्रुप्स हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। प्राइमरी में एक ही एल्किल ग्रुप है, स्टेबिलिटी और नीचे चली गई। और एक और कार्बोकेटायन पॉसिबल है, मिथाइल कार्बोकेटायन, जहां पर एक भी एल्किल ग्रुप नहीं रहेगा, मिथाइल कार्बोकेटायन प्राइमरी के भी नीचे, यहां पर एक भी एल्किल ग्रुप नहीं, इसकी स्टेबिलिटी और डाउन हो गई। तो ये कार्बोकेटायन रिएक्शन के दौरान बन सकता है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी होती है कि बन सकता है, एक परेशान तो जरूर है लेकिन फिर भी उतनी परेशानी के बावजूद, पॉजिटिव चार्ज मतलब परेशान जरूर है, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों एल्किल ग्रुप मिल करके कह दो 10% अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया,
10% अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया, 10% अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज 30% डाउन हो गया। 30% डाउन होने का मतलब थोड़ा उसको राहत मिली कि चलो ठीक है, थोड़ा मैदान में टिका जा सकता है, मैदान में रुका जा सकता है। तो तीनों एल्किल ग्रुप्स मिल करके इस पॉजिटिव चार्ज को इतना स्टेबल बना देते हैं कि ये थोड़ी देर मैदान में रुक सकता है। ठीक, तो ये बनेगा, ये बन सकता है रिएक्शन के दौरान, ये भी बन सकता है रिएक्शन के दौरान, लेकिन ये दोनों रिएक्शन के दौरान नहीं बन सकते। तो अगर हमारा एल्किल हैलाइड ऐसा है जो स्टेबल कार्बोकैटायन, थोड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सके, तभी ये मैकेनिज्म फॉलो होगा, अदरवाइज ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड रहे, जैसे कि यहां पर हमने लिया हुआ है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड रहे तब ये रिएक्शन होगा। ठीक, साथ ही साथ टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल भी, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो क्या करेगा, थोड़ा इंतजार करेगा कि कार्बोकैटायन को बनने दिया जाए, ये कुछ करेगा नहीं, बैठा रहेगा चुपचाप कि चलो कार्बोकैटायन को पहले बनने देते हैं। कार्बोकैटायन बन गया, अब ये कार्बोकैटायन जा करके इस वीक न्यूक्लियोफाइल से खुद रिएक्शन करेगा। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो क्या करेगा, वो पहले रिएक्शन करने को बार बार चला आएगा, तो पहले रिएक्शन करने को चला आएगा तो जब डेल्टा प्लस है तभी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, तो दो स्टेप में रिएक्शन नहीं होने देगा, एक ही स्टेप में निपटाने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एक स्टेप में रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा कि पहले कार्बोकैटायन बन जाना है, बन जाएगा तो खुद आएगा रिएक्शन करने, मेरे पास हमको बहुत जल्दी नहीं है। तो दो चीजें इस मैकेनिज्म को फेवर करती हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को हम वीक लेकर के चले, ठीक, एक जो है न्यूक्लियोफाइल को हम वीक लेकर के चले, और दूसरा एल्किल हैलाइड मोस्ट पॉसिबली टर्शियरी हो, और टर्शियरी ना हो तो कम से कम सेकेंडरी तो हो ही, प्राइमरी में नहीं पॉसिबल है इस तरह का मैकेनिज्म, प्राइमरी का एल्किल हैलाइड के साथ पॉसिबल नहीं है, मिथाइल हैलाइड के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला मैकेनिज्म टर्शियरी के साथ पॉसिबल है, सेकेंडरी के साथ पॉसिबल है, प्राइमरी और मिथाइल के साथ पॉसिबल नहीं है। और इस मैकेनिज्म के बारे में पिछले क्लास में क्या कहा था, भीड़ जितनी कम रहे उतनी आसानी से ये रिएक्शन फॉलो करेगा। तो यहां पर जब जब हमारा एल्किल हैलाइड ऐसा है कि तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है और यहां पर एल्किल ग्रुप लगा है, फिर दूसरा एल्किल हैलाइड जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो ही बार हो गए, यहां पर कोई हैलोजन लगा है, फिर एल्किल हैलाइड जिसमें दो बार एल्किल ग्रुप, फिर एक एल्किल हैलाइड जिसमें तीन बार एल्किल ग्रुप, कार्बन पर डेल्टा प्लस, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, न्यूक्लियोफाइल ठीक इस डेल्टा प्लस को देख करके रिएक्शन करने के लिए इस कार्बन के पास आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है डेल्टा प्लस को देख करके कार्बन के पास रिएक्शन करने को आ रहा है, तीन छोटे छोटे ग्रुप से मतलब भीड़ ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन के पास पहुंच जाएगा। यहां पर दो छोटे छोटे ग्रुप से और एक थोड़ा बड़ा एल्किल ग्रुप है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी जरूर होगी लेकिन न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच जाएगा। ठीक, यहां पर भी क्या है, दो बड़े बड़े ग्रुप्स है एक छोटा ग्रुप है, तो चलो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी पहुंच ही जाएगा, लेकिन यहां क्या है, तीन बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स लगा दिए, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, यहां भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, यहां बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इस तरह का मैकेनिज्म यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा और कार्बोकैटायन यहां से बन सकता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा, थोड़ा यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से नहीं बन पाएगा, यहां से नहीं बन पाएगा। तो हमको अपने एल्किल हैलाइड के नेचर पर नजर रखनी है कि हमारा एल्किल हैलाइड किस वे में रिएक्शन करेगा, और फिर केवल एल्किल हैलाइड ही नहीं न्यूक्लियोफाइल पर भी नजर रखनी है, अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो हमेशा ऐसे रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, डेल्टा प्लस है तभी अटैक करने पहुंच जाएगा, कंप्लीट प्लस आने का मौका नहीं देगा, डेल्टा प्लस पर ही वो रिएक्शन करने पहुंच जाएगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को एक स्टेप में निपटा देना चाहेगा, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन इस वे में दो स्टेप में होगा। जब एक स्टेप में रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है, दोनों मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं, दोनों को सैलरी मिलेगी, इसको भी मिलेगा उसको भी मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इस एल्किल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कैसे लिख देते हैं, एल्किल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, SN2, S मतलब सब्स्टिट्यूशन,
एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक और टू मतलब बाई मॉलिकुलर। इस टू का मतलब क्या है? बाई मॉलिकुलर। बाई मॉलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स, एक ये दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बाई मॉलिकुलर कह रहे हैं। यहां पर क्या है, दो स्टेप्स हो गए, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। कौन सा स्टेप मुश्किल है, ये मुश्किल है या ये मुश्किल है, ये मुश्किल या ये मुश्किल? तो यहां पर तो क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो जल्दी से रिएक्शन करेगा, तो ये तो आसान हो गया ना, तो ये इजी एंड फास्ट। ठीक, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसे जल्दी रिएक्शन करना है, तो दूसरे स्टेप में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन पर पहले से बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, उसे जल्दी रिएक्शन करना ही पड़ेगा, इजी एंड फास्ट। पहले स्टेप में क्या है, इसको रिएक्शन की कोई जल्दी नहीं रहेगी, तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, स्लो एंड डिफिकल्ट। तो रिएक्शन का क्रेडिट किसको मिलेगा, ये रहा अपना एल्किल हैलाइड और ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इसको क्रेडिट दे कि इसको क्रेडिट दे? तो मुश्किल काम जिसने किया है क्रेडिट तो उसे मिलना चाहिए ना, कि मुश्किल काम जो कर रहा है उससे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, तो रिएक्शन का सारा क्रेडिट इसको जाता है। रिएक्शन का जो रेट है इस बार, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। न्यूक्लियोफाइल बाद में आया है, जब असली काम खत्म हो गया है तो बाद में बस ऐसे ही आया है कि चलो थोड़ा हम भी चलते हैं देखाते हैं क्या हो रहा है, तो इसको कोई क्रेडिट नहीं देंगे, इसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई रिएक्शन कई सारे स्टेप्स में हो रहा है तो जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है उसी को पकड़ो, जो सबसे धीरे धीरे होने वाला स्टेप है उसी को पकड़ो, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो जो स्लो है जो डिफिकल्ट है उसे बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग। स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रिएक्शन का रेट इसी पर डिपेंड करेगा, और इसमें अकेले एल्किल हैलाइड ने पार्टिसिपेट किया है, न्यूक्लियोफाइल तो अगले स्टेप में आया है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल से इस पर कोई मतलब नहीं है। एल्किल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं SN1। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और वन मतलब यूनिमोलिकुलर। वन मतलब यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है चीजें, तो बस इसी के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही हैं, यूनिमोलिकुलर। तो SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, ठीक, हम लोग आने वाले क्लासेज में SN2 SN1 पर और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक, इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन यहां पर हम लोग इस बात को समझ लें कि दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, तो हम समझ ही चुके हैं। एक मैकेनिज्म जब डेल्टा प्लस रहता है तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, यहां स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, भीड़ कम होनी चाहिए। दूसरा मैकेनिज्म, जब भीड़ ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस डेल्टा प्लस तक पहुंच नहीं पाएगा, तो पहले क्लोरीन को निकाला, पॉजिटिव चार्ज आने दिया, और फिर ये कार्बोकैटायन जाकर के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, और मोस्ट पॉसिबली यहां वीक न्यूक्लियोफाइल रखेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, पहले ही रिएक्शन करने की कोशिश में काम गड़बड़ कर सकता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा यहां रखा हमने। तो कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन पर प्लस हुआ, कार्बन पर प्लस था, ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट किया, प्लस का चार्ज ऑक्सीजन पर आया, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, OH ग्रुप बन गया। तो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में, दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर, और ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाएगा उसको। इसमें अकेले एल्किल हैलाइड ने काम किया है, इसीलिए रिएक्शन का रेट केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, SN1 यूनिमोलिकुलर, वन मतलब यूनिमोलिकुलर। तो इस वे में दो तरह के मैकेनिज्म्स जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक, देख तो थोड़ा थोड़ा अभी लिया है, लेकिन इन मैकेनिज्म्स के अंदर और भी बातें हैं, गहरी गहरी बातें हैं। तो ये मैकेनिज्म, अगर ये चार तरह के एल्किल हैलाइड्स है तो किसके साथ ये वाला मैकेनिज्म सबसे अच्छे से होगा, भीड़ जब मिनिमम रहेगी तो इसको यहां तक पहुंचना आसान रहेगा, तो इन चारों एल्किल हैलाइड्स में से ये इस रास्ते पर बेस्ट चलेगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक बड़ा सा ग्रुप आ गया है जो न्यूक्लियोफाइल को यहां तक पहुंचने से रोकेगा, यहां थोड़ी मुश्किल और ज्यादा होगी। इस रास्ते पर SN2 रास्ते पर यह थोड़ा मुश्किल से चलेगा, और ये नियरली SN2 रास्ते पर नहीं जा सकता क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस रास्ते पर चलना पड़े तो इन चारों में से कौन सा एल्किल हैलाइड बेस्ट चलेगा, चूंकि कार्बोकैटायन बनना है, तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम है तो बनेगा ही नहीं, तो कार्बोकैटायन यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, इन दोनों में कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, तो ये सबसे अच्छे से इस रास्ते पर चलेगा।
ठीक, ये थोड़ा मुश्किल से इस रास्ते के ऊपर चलेगा और ये दोनों जो है इस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। तो अगर हम लोग बात करें मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, तो मिथाइल जो है SN2 के लिए, SN2 के लिए इस मैकेनिज्म के लिए मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव। और इस मैकेनिज्म के लिए बात करें SN1 मैकेनिज्म के लिए, तो टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव और मिथाइल सबसे कम रिएक्टिव। इसमें कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे? हमेशा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल से काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ही डेल्टा प्लस को देख करके रिएक्शन करेगा और इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम बन जाएगा। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिया तो काम खराब भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिया तो काम खराब हो जाएगा? लेट अस सी। सपोज हमने क्या किया, हमने ये एल्किल हैलाइड लिया, ठीक, और इसके साथ NaOH का रिएक्शन कराने की कोशिश की। NaOH, NaOH में क्या, Na पर प्लस, OH पर माइनस, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, कार्बन पर डेल्टा प्लस, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या कोशिश करेगा कि किसी तरह से कार्बन तक पहुंचा जाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, इसे बैठना पसंद नहीं है, थोड़ा भी उजाला दिखाई पड़ा निकल जाएगा, चलो लड़ाई करने चलते हैं। तो डेल्टा प्लस भी दिख गया तो पहुंच जाएगा कि चलो चलते हैं रिएक्शन करने, लेकिन पहुंच तो पाएगा नहीं यहां पर। क्यों? क्योंकि इतना भीड़ इधर, इतना भीड़ इधर, इतना भीड़ इधर, तो अब क्या होगा, पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, राइट, पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। तो अब क्या करेगा, जब कार्बन तक नहीं पहुंच पाया तो बीटा हाइड्रोजन पर, ये देखो ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं, याद है ना पिछले क्लास में एलिमिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन पर डेल्टा प्लस है, ठीक, न्यूक्लियर पहले तो ये कोशिश किया कि कार्बन तक पहुंचे लेकिन कार्बन तक पहुंच नहीं पाया। क्लोरीन जहां लगा है वो अल्फा कार्बन, क्लोरीन जहां लगा है वो अल्फा कार्बन, उसके बाद ये बीटा कार्बन, इस पर जो हाइड्रोजन है इस पर भी डेल्टा प्लस है, ठीक है, यहां थोड़ा बड़ा डेल्टा प्लस होता है, यहां थोड़ा बड़ा डेल्टा प्लस होता है, यहां छोटा डेल्टा प्लस होता है। यहां डेल्टा प्लस क्यों है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, कार्बन पर डेल्टा प्लस आ जाएगा। यहां क्यों डेल्टा प्लस है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, एच पर डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो यहां बड़ा सा डेल्टा प्लस है, यहां छोटा सा डेल्टा प्लस है। तो इसका पहला चॉइस क्या है, इसका पहला चॉइस तो होगा कि ये कार्बन तक पहुंचे, लेकिन कार्बन तक पहुंच नहीं पाया, ठीक, कार्बन तक तो पहुंच नहीं पा रहा है तो हाइड्रोजन पर ही सही। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, क्लोरीन को यहां से ऐसे निकाल दिया, तो CH2 CH3 एंड CH3 एल्कीन बन गया। तो बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अगर तुमने ले लिया कार्बन तक तो पहुंच नहीं पा रहा है, SN2 तो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को इसके साथ अगर न्यूक्लियोफाइल लेना है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल ही रखा जाए, क्योंकि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल फिर वो बेस का काम करने लगता है, कार्बन तक ना पहुंच पाया तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन तक पहुंच जाएगा। हम जानते हैं ना कि कोई भी चीज जब कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको बेस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाया तो बेस का काम, आम खाने गया था आम नहीं मिला तो चलो अमरूद ही खा करके चले आए, लेकिन अब खाने गए हैं तो कुछ ना कुछ खा करके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। मारपीट करने गए हैं तो काम का आदमी नहीं मिला तो बिना काम वाले को ही पीट दिया, मारपीट करने गए काम का आदमी नहीं मिला तो बिना काम वाले आदमी को ही पीट दिया, लेकिन मारपीट करने गए तो कुछ ना कुछ जो है करके चले आएंगे। इसी बात पर हमें एक छोटी कहानी याद आ गई। एक बार जो है अकबर और बीरबल के दरबार में, अकबर और बीरबल में ऐसे ही बात चल रही थी, दरबार लगा हुआ था, किसी बात पर अकबर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने मजाक में ही बीरबल को एक झापड़ लगा दिया। अब बीरबल तो मंत्री था, अकबर जो था वो बादशाह था, तो अकबर ने बीरबल को एक झापड़ लगा दिया, बीरबल को आया तो गुस्सा, लेकिन अब करे तो करे क्या करे, अब राजा को मार भी नहीं सकता, अगर मार दिया तो अभी तलवार निकलेगी और गर्दन भी जा सकती है। तो बीरबल ने भी आओ देखा ना ताओ, बगल में जो दूसरा वाला सिपाही था उसको एक झापड़ लगा दिया। सिपाही बीरबल से बोला कि भाई हमको क्यों मारा, तुमको पड़ी उधर से है तो देना तुमको उधर था, हमको क्यों मारा। तो बोला ये सब मत पूछो, जो जिसको मार सकता है बस मारो, हमने तुमको मारा है, तुमको जो मिले उसको पीटो। तो उसी वे में कुछ
यहां पर कहानी चल रही है कि कार्बन तक न पहुंच पाया तो कोई बात नहीं, चलो हाइड्रोजन पर ही हाथ साफ कर लेते हैं। तो कार्बन तक पहुंचा तो ठीक, अदरवाइज हाइड्रोजन पर ही हाथ साफ करके वो, तो कार्बन तक पहुंचा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल का काम किया। हाइड्रोजन तक पहुंचा तो कहते हैं बेस का काम किया। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यहां पर लेना हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अगर लेते भी हैं तो फिर बड़े उसके साथ सावधानियां रखनी पड़ेंगी हमें। तो पूरी कोशिश करते हैं यहां पर NaOH नहीं लेंगे। अगर हमको इस क्लोरीन के बदले में, क्लोरीन के बदले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना भी है तो NaOH नहीं लेंगे, ठीक, हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। वाटर क्या करता है, इंतजार करता है। इंतजार करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहां से क्लोरीन, सबसे पहले यहां से क्लोरीन अपने आप निकल जाएगा। क्लोरीन निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका रहेगा तब पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करेगा कि चलो इसको लोन पेयर डोनेट किया जाए। तो फिर अगले स्टेप में तुम देखोगे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के पीछे दो हाइड्रोजन है वैसे ही लगा दो, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आएगा और इस प्लस के चार्ज को हटाने के लिए इस OH बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे दिया। तो अगले स्टेप में हमारे हाथ में यहां पर OH हो जाएगा। तो क्लोरीन के बदले OH लगाना है तो ये रास्ता हम चुनेंगे, क्यों, क्योंकि टर्शियरी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NaOH का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NaOH का इस्तेमाल नहीं कर सकते। NaOH में OH माने से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है। कार्बन पर नहीं मिलेगा मौका तो हाइड्रोजन पर ही अटैक कर देगा और सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स के साथ सावधान, अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स के साथ मेरे को सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हम वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ काम करते हैं ताकि कार्बोकैटायन बनते हुए धीरे धीरे यहां तक पहुंच जाए चीजें, राइट। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेंगे यहां पर, सपोज अपने पास ये रिएक्शन है, इसका रिएक्शन हम करा दें C2H5ONa के साथ, और रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, क्लोरीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ठीक, सोडियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, C2H5O माइनस, इथाइल के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस इथॉक्साइड आयन, हाइड्रोजन के साथ जैसे समझाया था कि H के साथ O होता है हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, एल्किल के साथ O होता है एल्कोक्साइड बोलते हैं, तो इथाइल के साथ O है इथॉक्साइड, ठीक, जैसे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वैसे ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बन पर डेल्टा प्लस देखेगा, रिएक्शन करने के लिए पहुंच जाएगा, क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, CH2O, और O के पीछे क्या है, C2H5 भी है, तो O के पीछे C2H5, तो ये रिएक्शन यहां पर पूरा हुआ। तो क्लोरीन को हटाया, क्लोरीन को हटाया और ये ग्रुप लगा दिया, इथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। यही चीज अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ प्लान करें तो, यही चीज अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ प्लान करें कि मेरे को क्लोरीन को हटा करके, क्लोरीन को हटा करके मेरे को क्लोरीन को हटाना है और क्लोरीन को हटा करके इथॉक्सी ग्रुप लगाना है, तो क्या यहां पर हम सोडियम इथॉक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर है नहीं कर सकते। क्यों, कि सोडियम इथॉक्साइड में जो इथॉक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी, केवल न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बेस भी बहुत स्ट्रांग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग रहेगा लेकिन बेस की तरह से वो वीक हो जाता है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, स्ट्रांग बेस भी है। कार्बन पर मौका नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन पर ही अटैक कर देगा, तो तुम इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करा सकते हो, ठीक। अगर तुम सोचोगे कि इसके साथ ये रिएक्शन करा ले तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इस पर देखेगा कि डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, कार्बन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और यहां न पहुंच करके एल्कीन बना देगा,
तो हम इसकी मदद से तो ये रिएक्शन नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को करने के लिए हम लेंगे C2H5OH। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये O के साथ एक तरफ H और एक तरफ C2H5। ये आयनिक नहीं है, ये आयनिक है। ऑक्सीजन और सोडियम, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है तो बॉन्ड आयनिक टाइप का हो जाएगा। मेटल पर प्लस, नॉन मेटल पर माइनस। यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग है। प्लस माइनस होगा भी तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा, कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस नहीं होगा। ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर प्लस माइनस चेक भी करें तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक, तो इस माइनस से कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस, कंप्लीट माइनस की वजह से स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग बेस। यहां पर क्या है, ये फिर से वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस। तो ये इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वाटर है H2O और इसमें से मान लो ये H हटा दिया तो HO-। ठीक, कोई अल्कोहल है ROH और इसमें से ये H हटा दिया तो RO-। ये क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस। और इन दोनों की क्या कहानी है, इन पर कुछ प्लस माइनस है नहीं, अगर ये रिएक्शन करेंगे भी तो अपने लोन पेयर की वजह से कर रहे हैं। ठीक, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, यहां पर भी लोन पेयर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन माइनस की वजह से थोड़ा चीजें स्पीड पकड़ लेती हैं। कि माइनस की वजह से परेशान है, माइनस चार्ज की वजह से परेशान है, जल्दी करेगा थोड़ा रिएक्शन करने में। इस पर कुछ माइनस वगैरह है नहीं, वैसा है भी तो डेल्टा प्लस माइनस है, कोई जल्दी में नहीं है ये। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कार्बन पर सीधा सीधा अटैक करने को नहीं जाएगा, पहले यहां से क्लोरीन को निकलने देगा। जब क्लोरीन निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक, इसका मैकेनिज्म तुम लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे इसको ध्यान रखना। या अगर इस तरह का सिचुएशन रहे तो वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, और इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बेस। और अब इस रिएक्शन के लिए जब मैकेनिज्म हम लिखेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या होगा कि ये है अपना एल्किल क्लोराइड। हम रनिंग तरीके से मैकेनिज्म लिख दे रहे हैं ना, क्लोरीन निकला बाहर गया, खत्म करो क्लोरीन को, अब क्लोरीन का नाम मत लेना, क्लोरीन को हम लिखेंगे भी नहीं, क्लोरीन गया, कहाँ गया, खो गया। काम की चीजें लिखेंगे और बिना काम की चीजें कहाँ गई, तो जो सोल्यूशन है सोल्यूशन में इधर उधर भटक रहा होगा, खो गया, हमें उससे बहुत मतलब नहीं है। क्लोरीन निकला, कार्बन पर प्लस आया, कार्बन पर प्लस आया तो C2H5OH को पकड़ कर लाओ। ऑक्सीजन ऐसे लिखो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, ऑक्सीजन के साथ ये इथाइल ग्रुप भी है, इसको ऐसे लिख दो C2H5OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो अब जो है यहां से हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएं, यहां से रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। O के साथ एक तरफ H है, एक तरफ C2H5 है, जैसा है वैसा लिख दो। फिर जब ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आया, प्लस के चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ठीक, इसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के चक्कर में मत पड़ना, H प्लस आसानी से बनेगा, C2H5+ नहीं बन पाएगा, H प्लस आसानी से बनता है। O H को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, OC2H5, और हाइड्रोजन गया बाहर, भूल जाओ उसको, जो चीजें इससे अलग होकर के बाहर निकलती चली चली जा रही है उनको भूलना भी सीखो ना। मैकेनिज्म में हर बार चीजों को बैलेंस कर करके हम लोग नहीं लिखते, जो चीज बाहर निकला गया जाने दो, सोल्यूशन में इधर उधर घूम रहेगा, जरूरत पड़ेगा तो माइंड में हमारे है, जरूरत पड़ेगा तो वापस फिर से कहीं भी पकड़ के वापस ला सकते हैं। जैसे यहां से क्लोरीन निकला है, गया घूम रहा है उसी में, घूमने दो,
माइंड में रहना चाहिए कि क्लोरीन घूम रहा है, जरूरत है तो वापस भी पकड़ लाएंगे। यहाँ से H प्लस निकला, गया, घूम रहा है, घूमने दो, जरूरत पड़ा तो वापस भी पकड़ करके लाएंगे। तो इस वे में रनिंग मैकेनिज्म हमने लिख दिया, नहीं तो एक लाइन में ये लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन में ये लिखते हैं, फिर तीसरी लाइन में ये लिखते हैं, तीन स्टेप वैसे भी एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, लेकिन फ्लो में लिखा हुआ है। तो बहुत बार हम लोग जो है धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते बनते मैकेनिज्म्स को फ्लो में लिखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जाने आने देते हैं कि वो गई और फिर जरूरत पड़ेगा तो आएंगी भी, भूल नहीं जाते हैं। तो अगर मेरे को क्लोरीन को डिस्प्लेस करके ये ग्रुप बनाना है तो मेरे को न्यूक्लियोफाइल ऐसा लेना पड़ेगा। अगर हमने गलती से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग कर दिया, अगर हमने ऐसा कर दिया होता, कि C2H5ONA, इस पर माइनस, इस पर प्लस, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, तो हम यहां न पहुंच पाते। देखने में लग रहा है कि यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, ये आकर किसी जगह रिएक्शन करेगा, लेकिन नहीं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहां तक नहीं पहुंचेगा। जब यहां तक नहीं पहुंचेगा तो बीटा हाइड्रोजन पर पहुंचेगा। यहां से एक हाइड्रोजन को ऐसे बाहर निकाल लो, एच पर डेल्टा प्लस, कार्बन पर डेल्टा माइनस, ये यहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के आसपास भीड़ ज्यादा है, कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा। यहां डबल बॉन्ड बनाओ और रिएक्शन इस वे में पूरा होगा। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ हम लोग मोस्टली जो है वीक न्यूक्लियोफाइल का, वीक बेस का, वीक न्यूक्लियोफाइल का इंतजाम करते हैं, तब जाकर के सब्स्टिट्यूशन होता है, अदरवाइज एलिमिनेशन के डायरेक्शन में तुम बढ़ते चले जाओगे। तो मेरे को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमको एलिमिनेशन के डायरेक्शन में नहीं चले जाना है, हमको अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमको इस तरह का डायरेक्शन चुनना पड़ेगा। राइट, चलो एक और रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म फिर से हम एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, C2H5OH एंड हीट, एंड रिजल्ट इज ये लो। इस बार जो है तुम असली चक्कर में पड़े हो। वीक न्यूक्लियोफाइल, जिसको इतनी देर से वीक वीक चिल्ला रहे थे, वही वाला लिया है ना, लेकिन फिर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, एलिमिनेशन हो गया। ठीक, कैसे? तो सारा कमाल इस हीट का है। पिछली बार हीट नहीं कर रहे थे, इस बार हीट कर दिया। हीट कर दिया तो क्या हुआ, लेट अस सी। इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, तब बात समझ में आएगी। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, क्लोरीन को बाहर करो। क्लोरीन को बाहर किया, कार्बन पर प्लस का चार्ज, ठीक, कार्बन पर प्लस का चार्ज, कार्बोकैटायन बना लिया, क्लोरीन गया बाहर, चाहो तो यहां लिख भी दो। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे कि हम कह रहे थे कार्बोकैटायन जो है वो C2H5OH के साथ रिएक्शन करेगा, ये लोन पेयर से इस बार रिएक्शन करेगा, लेकिन यहां पर चीजें कुछ अलग दिखाई पड़ रही है, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर रिएक्शन ऐसे हुआ रहता तो प्रोडक्ट ये तो ना बनता ना, मतलब ऐसे रिएक्शन नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, तुमने हीट कर दिया, हीट करने का मतलब गर्मी बढ़ा दी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, अब मॉलिक्यूल्स और जल्दी में है, मॉलिक्यूल्स पहले की तुलना में जल्दी में है, तो अब ये और जल्दी में हो गया। पिछली बार क्या कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज था, परेशान था तो जल्दी में था, खुद पहुंचा था इसके पास और दोनों ने मिलकर के रिएक्शन किया था, यही देखा था पिछले रिएक्शन में ना, कि कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था, परेशान था, जल्दी में था, रिएक्शन करने खुद इसके पास पहुंचा था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, रिएक्शन आगे बढ़ गया था। लेकिन इस बार ये इतना जल्दी में है कि उसके पास भी नहीं जाएगा, ठीक, इतना जल्दी में है कि उसके पास भी नहीं जाएगा, फिर क्या होगा भाई, हटाओ इसको, इसके पास भी नहीं जाएगा। बीटा पोजीशन से, ठीक, यहां से एक हाइड्रोजन को हम ऐसे बाहर लिख दे रहे हैं, बीटा पोजीशन, ये अल्फा, ये बीटा, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा करके डबल बॉन्ड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज जब खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एच पर आ जाएगा, तो अगर तुमने हीट अप्लाई कर दिया है तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, हीट अप्लाई कर दिया है तो कार्बोकैटायन क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के पास नहीं जाएगा, वो अपने से, ठीक, जैसे किसी को सांप काट ले,
और हॉस्पिटल दूर रहे तो क्या करेगा, अब इंतजार नहीं करेगा। मान लो हाथ में सांप काट लिया, उंगली में सांप काट लिया, तो करते क्या है कि सांप का जहर पूरी बॉडी में न फैलने पाए, उंगली को ही काट देते कि न रहेगी उंगली, न बॉडी में जहर जाएगा, तो जान बच गई, ना कम से कम एक उंगली गई तो क्या, लेकिन जान बच गई। तो कुछ वैसा ही पॉजिटिव चार्ज है, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मतलब ये मरने ही वाला है, अब जान बचाने का एक ही रास्ता है कि उंगली को काट करके निकाल दो। तो इसने बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाया और बीच में डबल बॉन्ड बना लिया और प्लस का चार्ज हाइड्रोजन पर चला गया। तो कार्बोकैटायन ये भी करता है। कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है। एक कि अगर थोड़ा मौका रहे तो कार्बोकैटायन जो है दो चीजें कर सकता है कि अगर थोड़ा मौका रहे उसके पास तो न्यूक्लियोफाइल का इंतजार करेगा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एकदम जान जाने वाली है। न्यूक्लियोफाइल का इंतजार नहीं किया जा सकता, इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता कि कोई आएगा फिर हॉस्पिटल ले चलेगा फिर दवाई होगी तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो बस अब रास्ता ये है कि सांप ने उंगली में काटा है तो उंगली को जो है अलग करो, एक उंगली चली गई कोई बात नहीं लेकिन पूरी जिंदगी जो है वो बच गई। तो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ये और जल्दी में है और परेशान है, पॉजिटिव चार्ज से तो परेशान था ही था, टेम्परेचर से भी तुम परेशान कर रहे हो, अब इतनी जल्दी में है कि न्यूक्लियो फाइल तक का वेट नहीं करेगा। यहां से हाइड्रोजन को तुमने हटाया, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा बीच में, बना डबल बॉन्ड, काम खत्म, एल्कीन। ठीक, तो एलिमिनेशन का ये दूसरा मैकेनिज्म, पिछले क्लास में और अभी शुरू शुरू में जो एलिमिनेशन का मैकेनिज्म देख रहे थे उससे ये मैकेनिज्म अलग है ना, पिछले क्लास में और अभी शुरू शुरू में जो एलिमिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, ये है हेलोजन जो निकल कर जाने को तैयार है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाया, हेलोजन को हटाया, बीच में डबल बॉन्ड, और हम स्ट्रॉन्ग बेस का इंतजाम करते थे। ठीक, पिछले क्लास में जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था एलिमिनेशन के लिए उसको अगर ध्यान में रखें, स्ट्रॉन्ग बेस आकर के हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इधर शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और एज द रिजल्ट यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता था, क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों साथ में निकल रहे हैं, बेस उसमें आकर के मदद कर रहा है, बेस ने हाइड्रोजन को पकड़ा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, क्लोरीन निकला, डबल बॉन्ड बन गया। ये मैकेनिज्म कुछ और था, यहां पर चीजें सब कुछ एक साथ एक ही स्टेप में हो जा रहा है, और यहां पर क्या है, पहले क्लोरीन निकला, कार्बोकेटाइन बन गया, फिर तुमने गर्मी बढ़ा रखी है, गर्मी बढ़ा रखी है तो ये न्यूक्लियोफाइल वगैरह किसी का इंतजार नहीं करेगा, यहीं से एच प्लस लूज करेगा और लूज करके एल्कीन में बदल जाएगा। तो दो स्टेप, यहां पर एक स्टेप, स्ट्रांग बेस अगर तुम चुनते हो, स्ट्रांग बेस चुनते हो तो स्ट्रांग बेस हाइड्रोजन के साथ पहले ही रिएक्शन करना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्शन करना शुरू कर देगा, तो रिएक्शन का ट्रिगर यहां पर है, स्ट्रांग बेस ने हाइड्रोजन को पकड़ा, तो जब ये इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री, इधर शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड बन गया, अब जब इधर बॉन्ड बनी रहा है तो क्लोरीन भी मौके का फायदा उठाया और इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, राइट। तो इसका ट्रिगर यहां है स्ट्रांग बेस पर, जब भी स्ट्रांग बेस लोगे इस वे में रिएक्शन जाएगा, एलिमिनेशन का मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग बेस के साथ देखा जाए तो ऐसे, यहां तो कोई स्ट्रांग बेस नहीं है ना, ये हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करेगा, मौका मिले तो कार्बन पर एक बार अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन पर कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पर एक बार अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन पर थोड़ा अटैक कर पाएगा, कार्बन पर अटैक कर सकता था, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, कार्बन पर अटैक कर सकता था, कार्बन पर फुल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन पर अटैक इसका पॉसिबल नहीं है। तो कार्बोकैटायन तक अपने से आएगा, क्लोरीन हटा कार्बोकैटायन आया, फिर तुमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, टेम्परेचर बढ़ा रखा है तो क्या हो रहा है कि अब ये इंतजार नहीं करेगा कि ये आएगा और ये आएगा, दोनों रिएक्शन करेंगे, अपना हाइड्रोजन अपने से निकाल करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करके हाइड्रोजन को बाहर, ठीक, जान जाने वाली थी, उंगली काट करके हटा दिया कि चलो उंगली गई लेकिन जान तो बच गई ना, हाइड्रोजन गया लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया ना। तो एल्कीन बनाने के दो मेथड्स है, एल्किल हैलाइड को स्ट्रांग बेस के साथ और एल्किल हैलाइड को वीक बेस के साथ, लेकिन ध्यान देना ये वाला मैकेनिज्म तभी काम करेगा जब कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें कार्बोकैटायन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब रिएक्शन करते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली टर्शियरी वाला रिएक्शन करता है, थोड़ा बहुत सेकेंडरी भी कर सकता है,
प्राइमरी तो कम से कम बिल्कुल नहीं कर पाएगा, राइट। इस मैकेनिज्म से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब रिएक्शन कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन को निकालने में ये मदद कर रहा है। टर्शरी वाला जल्दी रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी वाला थोड़ा मुश्किल से करेगा, प्राइमरी वाला थोड़ा और मुश्किल से करेगा, लेकिन टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकटायन का बनना जरूरी है। तो टर्शरी तो खूब फटाफट रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी थोड़ा मुश्किल से, प्राइमरी को भूल जाओगे, प्राइमरी इस मैकेनिज्म से आगे नहीं जा सकता। तो यहां पर वीक बेस के साथ एलिमिनेशन। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के दो मैकेनिज्म्स देखे, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। और अब एलिमिनेशन के भी दो मैकेनिज्म्स हो गए, स्ट्रांग बेस के साथ और वीक बेस के साथ। स्ट्रांग बेस के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ एक साथ, ये है एल्किल हैलाइड, ये है बेस, ठीक, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो रिएक्शन का जो रेट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज मल्टीप्लाइड विद कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और यहां पर क्या है, रिएक्शन का जो रेट है, फिर से रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो स्लो चलेगा, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या है, इसको जान बचाने की जल्दी है, तो बहुत तेजी से काम करेगा, फास्ट चलेगा, ठीक। ये इजी स्टेप है, ये डिफिकल्ट स्टेप है, ठीक है ना। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रिएक्शन का रेट केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। यहां पर तुमने एल्किल हैलाइड का कंसेंट्रेशन 5 गुना किया, रिएक्शन का रेट 5 गुना हो जाएगा। मान लो कि तुमने एल्किल हैलाइड का कंसेंट्रेशन 5 गुना किया, ठीक, मान लिया कि तुमने एल्किल हैलाइड का कंसेंट्रेशन जो है 5 गुना कर दिया, तो रिएक्शन का रेट भी जो है 5 गुना हो जाएगा। बेस का कंसेंट्रेशन तुमने 5 गुना कर दिया, रिएक्शन का रेट फिर से 5 गुना हो जाएगा। दोनों का कंसेंट्रेशन 5-5 गुना कर दिया, तो 5 × 5 = 25, रिएक्शन का रेट 25 times हो जाएगा, ठीक। इसमें एल्किल हैलाइड का कंसेंट्रेशन 5 गुना कर दिया, रिएक्शन का रेट 5 गुना हो जाएगा। बेस का कंसेंट्रेशन घटाओ बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेस इस इक्वेशन में शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर के दो मैकेनिज्म्स एलिमिनेशन के भी हो गए, ठीक। इसको E2 कहते हैं, E2, E मतलब एलिमिनेशन और 2 मतलब वही बाई मॉलिकुलर, दोनों पर डिपेंड कर रहा है इसलिए बाई मॉलिकुलर, ठीक। और इस वाले मैकेनिज्म को हम लोग E1 मैकेनिज्म कहते हैं, क्यों 1, E मतलब एलिमिनेशन, 1 मतलब यूनिमॉलिकुलर, केवल इस पर, केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो E2 E1 मैकेनिज्म्स, हम लोगों ने 4 मैकेनिज्म्स का नाम ले लिया, ठीक, हम लोगों ने 4 मैकेनिज्म्स का नाम ले लिया, SN2, SN1, E2, E1, ठीक। इन सभी मैकेनिज्म्स पर हम लोग डिटेल में और भी मुलाकात करेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म्स इतने पर ही खत्म नहीं होते, इनमें और भी बहुत सारी गहरी बातें हैं। यहाँ तो सिर्फ इनके साथ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है, मेन फोकस हमारा रिएक्शन पर था कि रिएक्शन कैसे कैसे आगे लेकर के बढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म में और भी अपने पेज है, और भी छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास में। लेकिन हाँ, पिछले क्लास और इस क्लास को मिला दें तो हम लोग दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ, और दो तरह के एलिमिनेशंस, स्ट्रांग बेस के साथ और वीक बेस के साथ। और मुश्किल ये है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस जो इंटरमिक्स्ड है, जो बेस है वही न्यूक्लियोफाइल हो जा रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस हो जा रहा है। तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना है, राइट। तो अच्छे से क्लास को पढ़ते हुए, सारी चीज़ों को लिखते हुए, उनको दोबारा देखते हुए खूब अच्छे से इसको कंट्रोल करोगे, दोबारा दोबारा देख करके अपनी कॉपी में जो लिखा है उसको इत्मीनान से देख करके इस बात को इंश्योर कर लेना कि तुमने सीखा, ठीक। तो दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रांग एंड वीक, दो तरह के बेसेज, स्ट्रांग एंड वीक, ठीक। कंक्लूड करने के लिए, बात को खत्म करने के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ क्लास समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है, मेरे को CH3Cl को CH3OH में बदलना है, NaOH लोगे या वाटर मॉलिक्यूल से काम चलाओगे। दूसरा, मेरे को टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, इसको भी जो है क्लोरीन हटा करके
OH लगाना है, NaOH लोगे या वाटर लोगे। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ भीड़ नहीं है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पर डेल्टा प्लस देख करके स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहां पर पहुंच जाएगा, तो इस कंडीशन में NaOH का सिलेक्शन करेंगे इसके लिए। और यहां क्या है, भीड़ ज्यादा है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिया तो कार्बन तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हाँ वो हाइड्रोजन पर पहुंच करके एलिमिनेशन कर देगा, इसीलिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाया तो बेस बन करके परेशान करने चला आएगा। तो इसका इस्तेमाल यहां नहीं करेंगे, यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि क्लोरीन निकले, पॉजिटिव चार्ज आए, कार्बोकैटायन बने, फिर इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो इस चीज के साथ जो है हम लोग अच्छे से डील करेंगे। सेम वे अगर मेरे को CH3CH2CN इसके बदले में यहां पर एक एल्कॉक्सी ग्रुप लगाना है, OR, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एनीथिंग कैन बी। और दूसरा चीज मेरे पास एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड है और इसमें भी हैलोजन को हटा करके यहां पर एक एल्कॉक्सी ग्रुप लगाना है। तो दोनों केसेज में ठीक, यहां पर एल्कॉक्सी लगाना है, यहां पर एल्कॉक्सी लगाना है, हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक RONA दूसरा ROH। तो कौन से केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे यहां डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और ये सोडियम की वजह से स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही साथ स्ट्रांग बेस भी है, डेल्टा प्लस को देख करके रिएक्शन करने को चला आएगा, भीड़ है नहीं इसीलिए यहां पर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर अगर हमने इसका इस्तेमाल यहां करने की कोशिश करी तो क्या होगा, भीड़ ज्यादा है, ये कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके एलिमिनेशन करा डालेगा, तो हम लोग इसका इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते, हम लोग यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा, क्लोरीन को निकल कर जाने देगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, तब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को माइंड में रखेंगे रिएक्शन को करते समय, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के रिएक्शंस पर नियरली हम लोगों ने बातें खत्म कर ली है, कुछ एक दो छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े एग्जांपल्स हो सकते हैं तो जो मे बी हम लोग एक्सरसाइज के दौरान डिस्कस करें। अदरवाइज मैकेनिज्म्स SN1, SN2, E1, E2 चार मैकेनिज्म्स हम लोगों ने नाम लिए हैं इन दो क्लासेस के दौरान, इन मैकेनिज्म्स पर हमें थोड़ी डिटेल में बातें करनी है, तो उसके लिए हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लास में। तो आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।